क्या आपके घरों में बड़ी खाना पसंद करते हैं? अगर पसंद करते हैं तो चलिए आज बनाते हैं मटर की बड़ी। गर्मियों के मौसम में बड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से बन के रेडी होता है। ये खराब नहीं बनते हैं। एक दिन में अच्छे से धूप लग जाए तो बड़ी हमारा बहुत ही अच्छा रेडी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मटर की दाल, जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। मैंने ली है बड़े वाली मटर की दाल। अगर आपको छोटी वाली मटर की दाल मिल रही है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसीलिए घर में ही ग्राइंड कर लूँगी। तो मैंने दाल को डाल दिया है जार में और इस तरीके से दरदरा हम पीस लेंगे। ज़्यादा दरदरा नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत दरदरा रहेगा, हमें उस तरीके का आटा तैयार करना है। देखिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ऐसा हमें आटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे 3 किलो मटर की दाल को ग्राइंडर में पीस के रेडी किया है। आपको जितना चाहिए आप उतना पीस के बना सकते हो। हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बर्तन लेना है, कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हो। अगर काठ का बर्तन है तो वो काफ़ी अच्छा है, उसमें ज़्यादा अच्छे से बनता है। मैंने यहाँ पे जैसे कि लिया है काठ का लकड़ी का गमला, तो आप इस तरीके से गमले में डाल के इसमें अच्छा खासा क्वांटिटी में हींग ऐड करना है। फिर हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। अगर आप लोग को ज़ीरा पसंद नहीं हो तो उसे स्किप कर सकते हो। फिर मैंने डाला यहाँ पे मेथी का पाउडर, ये बहुत ही ज़रूरी है बड़ी में। मेथी का पाउडर डालने से बड़ी हमारा बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल के हम इसे मिला लेंगे। हमें हल्के हाथों से मिलाना है, अगर ज़्यादा ज़ोर से हम मिलाएंगे तो बड़ी हमारा अच्छा नहीं बनेगा। फिर क्या, बनाते टाइम बड़ी हमारा अंदर से एकदम टाइट टाइट खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे धीरे धीरे हल्के हाथों से मिला रही हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करके हम यहाँ पे, मुझे जैसे जैसे पानी लग रहा है मैं उसे पानी ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा करके। आप एक ही बार पानी ना डालें, धीरे धीरे करके पानी डालें। देखिए हमें इस तरीके से फेंटना है, अच्छे से हम फेंट लेंगे बड़ी का आटा को। देखिए यहाँ पे बड़ी का आटा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, छत पे एक पतला सा धोती बिछा लेंगे, या फिर कोई भी पतला कॉटन का कपड़ा हो आप उसे बिछा लीजिए। उसके बाद हम इस पे ऐसे इस तरीके से गोल गोल बना के रख लेंगे। अगर आपके पास दूध का पैकेट हो तो उसे साफ करके उसमें भर के, जैसे जलेबी बनाते हैं उस टाइप में भी आप इसमें बड़ी को बना सकते हो, उससे और भी इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं हाथ से बना रही हूँ। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, अगर आप हाथ से बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ये बन के बहुत ही अच्छा रेडी होगा। अगर गर्मियों के मौसम में बड़ी आप बनाते हो, अगर एक दिन में ये बड़ी सूख जाता है तो बड़ी आपको बहुत ही अच्छा बनेगा। एक दिन में नहीं सूखता है तो बड़ी हमारा खट्टा हो जाता है, फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। हम क्या करेंगे, सारा दिन इसे धूप लगाएंगे। देखिए मैं कैसे धूप लगा रही हूँ, शाम का टाइम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बड़ी को उठा एक एक करके बड़ी हम छुड़ा लेंगे। देखिए कितना अच्छा तरीके से बड़ी निकल आ रहा है, हमारा बड़ी अच्छे से रेडी हो गया है। देखिए ऐसे ही हम सारे बड़ी को निकाल लेंगे। अगर मेरा बड़ी का रेसिपी आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बड़ी आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं, और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए। देखिए बड़ी एक दिन में कितना अच्छा रेडी हुआ है। अगर एक दिन में बड़ी रेडी नहीं होता है, थोड़ा सा नीचे से नहीं सूखता है, तो आप उसे अगले दिन 2-3 घंटे के लिए डाल सकते हो। देखिए हमारा बड़ी कितना अच्छा बना है। मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।